के सरोजनी नायडू स्कूल की छात्राओं के हंगामे पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। छात्राओं के हंगामे की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद राज्य शिक्षा केंद्र डायरेक्टर स्कूल पहुंचे, स्कूली छात्राओं और वहां के टीचर से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने टीचर वर्षा झा को अनिश्चितकालीन अवकाश पर भेजने के निर्देश दिए। बता दें कि कई मुद्दों को लेकर स्कूल की छात्राओं ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। प्रोटेस्ट के दौरान कई छात्राएं बेहोश भी हो गई, जिन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इससे पहले छात्राओं ने स्कूल के प्रबंधन पर कई आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया था। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छात्राएं स्कूल की क्लासेस में पहुंची, वहां जो स्कूल का सामान था, अलमारी थी, बेंचेस थे, उनको नुकसान पहुंचाया। ये देखिए कांच को तोड़ते हुए आप इन छात्राओं को देख सकते हैं। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कई छात्राएं बेहोश भी हो गई। छात्राओं का आरोप है कि उनसे साफ सफाई करवाई जाती है, स्कूल में कूड़ा बीनने के लिए कहा जाता है, साथ ही स्कूल में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होने का भी आरोप इन छात्राओं ने लगाया है। राजधानी भोपाल में स्कूली छात्राओं का आक्रोश लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्लासरूम था, इसमें बच्चों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। ये जो कूलर और जो टेबल कुर्सी थी उसमें तोड़फोड़ ये की गई। इसके साथ ही देखिए जो अलमेरा थी उसको भी यहाँ पर गिरा दिया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पंखा और प्रोजेक्टर को भी यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया है। तो निश्चित तौर पर जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि पुलिस बल जो है वो मौके पर पहुँचा जरूर है, लेकिन केवल यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि राज्य शिक्षा केंद्र से भी तमाम जो अधिकारी हैं वो आए थे, और जो जिस टीचर पर सबसे ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे उस पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो छात्राएँ हैं वो बात मानने को तैयार नहीं है और लगातार जो है उनका आक्रोश बढ़ाया जाता जा रहा है। देख सकते हैं कि सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम था उसमें जो है तोड़फोड़ की गई है, जो कांच थे उनको भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है। तो लगातार जो आक्रोश है छात्राओं का बढ़ता चला जा रहा है। देखिए जो ग्लास यहाँ पर जो लगा हुआ था गेट पर उसको यहाँ पर तोड़ा गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आक्रोश जो है वो बच्चों का किस कदर बढ़ता चला जा रहा है। और हालांकि स्कूल प्रबंधन जो है उनको मनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आ रहा है कि छात्रों का आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और उम्मीद है कि जल्द ही जो राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं वो बच्चों से बात करेंगे और उनकी समस्या का निजात दिलाएंगे, ताकि इस तरह के हंगामे को रोका जा सके। वहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने भी एंट्री मारी। विधायक जी सरोजनी नायडू स्कूल पहुंचे और कहा कि वो जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रबंधन से बात करके समस्या के समाधान की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कि सर किस तरह की जानकारी लगी थी और क्या निर्णय अब लिए गए हैं? बच्चों की एक डिमांड थी उसको हटा दिया जाए, उसको हटा दिया है, जिस वर्षा मैडम को लेकर इश्यू था। लेकिन सुबह जब डायरेक्टर आए थे वो कह रहे थे हटाने जैसी कोई बात नहीं है, बच्चे झूठ बोल रहे हैं। वो सुबह क्या बोले ये उनका निर्णय था, लेकिन ऐसी स्थिति भयानक थी और बच्चे जब जिस तरह से गिर रहे हैं, बेहोश हो रहा है, इतने नाराज हैं, तो ऐसी स्थिति में कैंपस अच्छा चल नहीं सकता, इसलिए हटाना जरूरी था। देखिए जो स्थानीय विधायक है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो वर्षा मैडम है उनको हटाने की बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं, तो यही कारण है कि विधायक के पहुंचने के बाद अब उन्हें हटाने का निर्णय भी ले लिया गया है और उसके बाद अब बच्चे हड़ताल से मान गए। कुछ बच्चे हमारे साथ उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो मांग कर रहे थे वो विधायक जी कह रहे हैं पूरी हो गई, उनको हटा दिया गया। वर्षा मैडम तो हटा दी गई, देखिए अभी भी बच्चे कह रहे हैं कि जब तक ये टेम्परेरी उनको हटाया गया है, और इसके साथ ही स्कूल टाइमिंग को लेकर भी लगातार बच्चे जो कह रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा, कहा कि प्रदेश में लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, बेटियों को शिक्षा के नाम पर सजा मिल रही है। में आया है कि कुछ छात्र
सरकारी स्कूल के बाहर बैठ के कुछ हमारी बच्चियां धरना देने लगी हैं, मतलब दसवीं और बारहवीं के बच्चे भी अब स्कूल के बाहर धरना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा की जगह सफाई कराई जा रही है, उनको सब्जेक्ट और विषय पढ़ाने की जगह पनिशमेंट दी जा रही है, और जो सिस्टम होना चाहिए सरकारी स्कूल में जो गिरता जा रहा है शिक्षा ना होने के कारण, उसको और गिराने का काम इनके लोग और इनके अधिकारी कराते जा रहे हैं। रतलाम नगर निगम में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रभारी